नमस्कार दोस्तों, मैं उपेन झागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। हमारा ये प्लान दोस्तों पहले ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल था, बट इसमें कुछ मैंने चेंजमेंट किए हैं और जो हमारे कस्टमर थे उनकी रिक्वायरमेंट को इसको हमने बना दिया है। उन्होंने हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को दोस्तों मैंने सेटअप किया है। तो इस मॉडल को हम पूरा डिटेल के साथ आपके सामने बताने वाले हैं। तो चलो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है ओवरऑल और बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। हमारे एक पेड यूजर है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। और ये दोस्तों आप पिलर देख रहे हैं ना, ये एक साथ बनाए गए हैं, क्योंकि डबल स्टोरी मकान है, दो खंड का बना हुआ है, तो पिलर एक साथ बनाए गए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये डिजाइन, जो कि आपके घर को एक नया लुक देता है। इसी डिजाइन की वजह से इस घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने में लग रहा होगा। तो ये मॉडल पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये 30x42 फुट में बना हुआ है, 30 फीट इसका फ्रंट है और 42 इसकी गहराई है, और चारों तरफ से दोस्तों आपका क्लोज्ड है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो ये आपका फ्रंट व्यू, जैसे मेन डोर है, दोनों तरफ बेडरूम है, इस वजह से मैंने विंडो दोनों साइड दे रखी है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको दोस्तों देख सकते हैं ज़्यादातर व्हाइट और रेड, येलो और ब्लैक, चार कलर ही मैंने इस्तेमाल किए हैं ग्रिल में। मैंने देख सकते हैं येलो और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है, बाद बाकी व्हाइट और रेड आपको सबको देखने को मिलता है। ये दोस्तों डिजाइनिंग के पर्पज से चीज़ें क्रिएट की गई हैं, आप देख रहे होंगे। पिलर का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक और बेहतरीन सा है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैंने पिलर एक साथ बनाए हैं तो आपको पूरा दिख रहा होगा। जैसे आप स्टेयर से अंदर ऊपर जाएंगे तो आपको पहले कुछ ओपन स्पेस देखने को मिलता है और ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड विंडो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बेडरूम्स हैं। बेडरूम में मैंने दोस्तों बाहर से कोई भी डोर नहीं दिया है। आप मेन डोर से जैसा एंट्री करते हैं, अंदर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट दोनों साइड आपको डोर देखने को मिलते हैं बेडरूम को एक्सेस करने के लिए। तो दो बेडरूम आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा इसका। जैसे आप अंदर जाते हैं तो राइट हैंड पर आपको देख सकते हैं ये आपका लेट एंड बाथ देखने को मिलता है, और लेफ्ट हैंड पे दोस्तों आपको स्टेयर्स मिलती हैं, टर्न होकर आप वापस आएंगे। और सबसे पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, उन दोनों बेडरूम के बीच में आपको किचन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो ओवरऑल दो पीछे बेडरूम, दो आगे बेडरूम, 4 बेडरूम का ये हाउस प्लान आपके सामने मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। हमारे एक पेड यूजर दोस्तों थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आप पहुँचते हैं तो चारों तरफ देख सकते हैं सिमिलर प्लान, जैसा ग्राउंड फ्लोर था वैसा फर्स्ट फ्लोर भी है। बाउंड्री वॉल कह रहा हूँ, चारों बेडरूम्स वही हैं, लेट बाथ वही है, किचन वही है, स्टेयर्स वही है। आगे का सिर्फ लुक आपका चेंज हो जाता है, देख सकते हैं, क्योंकि आगे मैंने ग्रिल बना दी है 2.5 से 3 फीट की और ये उसी पर डिजाइन वगैरह है, और बीच में ग्रिल को मैंने यहाँ पर देख सकते राउंड शेप में क्रिएट कर रखा है। तो ये ओवरऑल चेंजमेंट। और बात करें इसकी, तो जब भी आप घर बनवाइएगा तो इसका विशेष ध्यान रखिए बनवाने से, ठीक है। ये मोल्डिंग का डिजाइन है दोस्तों, आपका पीओपी का बंदा बनाकर देगा आपको। और विंडो का साइज वगैरह आप देखिएगा इसमें विथ फ्रेम, ये दोस्तों फ्रेम बाद की, विंडो तो आपका नॉर्मल 4x5 का ही है, बस उसमें फ्रेम ये बना हुआ है। फर्स्ट लास्ट फ्लोर की बात करें तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ देखने को मिलता है, और इसके बाद ये आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जैसा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर ग्रिल बनी, सिमिलर ग्रिल आपको ऊपर भी देखने को मिलती है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान, बेहतरीन सा प्लान, 30x42 में 1200 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स में ये पूरा बना हुआ है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल को मैंने क्रिएट किया है। तो दोस्तों ये आपको मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप हमें क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। साथ साथ आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप हमें पेड सर्विस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना बेहतरीन सा घर बनवा सकते हैं। चैनल स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।